साइन टैगलाइन वाली कंपनी ने जैसे ही अपने आईपीओ प्लान को रिलीज किया था ना, उसको देखकर सबने यही कहा कि इसमें तो कोई वंडर्स है ही नहीं, बल्कि एक स्कीम है, एक ऐसी स्कीम जो लोगों को नहीं बताई गई है। पर आखिर इनको ये आईपीओ प्लान निकालने की जरूरत ही क्या पड़ी थी? अगर आईपीओ प्लान निकाल भी दिया था तो उसके बाद इन्होंने इसको होल्ड पर क्यों डाल दिया? क्या इस कंपनी की ऐसी एक और रियल साइड है जिसके बारे में आपको नहीं पता? इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जानेंगे कि आखिर कैसे बच्चों की हेल्प करने के लिए बनाए गए ये कंपनी के आईपीओ प्लान को होल्ड पर रखने के इस मूव को स्मार्ट मूव बताया गया है, और साथ ही जानेंगे व्हाट इज द रियलिटी ऑफ मामा अर्थ आईपीओ। मार्केट में बच्चों की स्किन के लिए कई ब्रांड्स आए, उनके इंग्रेडिएंट्स को लेकर कई एलिगेशन लगे। इसी बीच दिसंबर 2016 में एक ऐसा ब्रांड मार्केट में आया विच क्लेम कि ये उन बच्चों की स्किन के लिए हेल्दी है। बट इंडिया के सारे बच्चों के लिए ना ये वाला मार्केट जो है क्रैक करना है, उनके लिए टॉक्सिन फ्री सेफ प्रोडक्ट्स लाने हैं जो उनकी स्किन को कभी इरिटेट ना करे। गजल अलग, जब उन्होंने ये देखा कि उनके बेटे को उन प्रोडक्ट से इरिटेशन हो रही है तो उसके लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए शी स्टार्टेड मामा अपने हस्बैंड के साथ और इस जिद के साथ कि इस मार्केट को उन बच्चों के लिए क्रैक करना बहुत जरूरी है। विदाउट एनी बिजनेस बैकग्राउंड शी स्टार्टेड द कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ अ विजन। विजन ये था कि इंडिया में एक चाइल्ड फ्रेंडली ब्रांड बनाना है, पर उसके साथ साथ इस ब्रांड को फैमिली फ्रेंडली भी बनाना है। तो इन्होंने ये विजन पूरा तो जरूर किया, पर इसी के साथ बिजनेस प्रैक्टिसेस में इन्होंने कुछ ऐसे मूव्स भी कर दिए जिसकी वजह से आईपीओ निकालना इनके लिए जरूरी बन गया, और इसलिए इनका पूरा प्लान आईपीओ को लेकर तैयार भी हो गया था। तो अब इस पॉइंट पर हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इनको आईपीओ निकालना ही क्यों पड़ा था। देखो, काफी सिंपल फंडा है बिजनेस का। अगर बिजनेस चलाना है तो इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे, इन्वेस्टर्स चाहिए, या उनको रोकना है तो सेल्स चाहिए होगी, और अगर सेल्स चाहिए तो एडवर्टाइज तो करना ही पड़ेगा। गजल अलग ने इसके लिए यूज किया इन्फ्लुएंसर्स को जिनका ऑलरेडी ज्यादा इन्फ्लुएंस भी है लोगों पर, और ऐसे ही उन्होंने कई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाए और इसमें उन्होंने काफी खर्चा किया है, और इसमें प्रॉफिट तो ना के बराबर ही मानो। इन्होंने जब SEBI में अपनी DRHP रिपोर्ट को फाइल किया था ना, तो उसमें इन्होंने अपने सेल्स, प्रॉफिट, लॉसेस सब के बारे में एक्सप्लेन किया था। और वहीं हम इनके ईयर 2022 के डेटा को ले लेते हैं, जहां पर इनकी सेल्स हुई थी 933 करोड़, की एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए थे इन्होंने 390 करोड़, और इनका प्रॉफिट हुआ था सिर्फ 14 करोड़ रुपीज का। यानी इतने साल बाद से 14 करोड़ का प्रॉफिट, इससे पहले तो कंपनी लॉसेस में ही जा रही थी। दिस डेटा शोज कि दैट एवरीथिंग वाज नॉट गुड इनसाइड द कंपनी। इसी की वजह से इनको अब आईपीओ भी निकालना पड़ा, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स का भी प्रेशर बन गया होगा कि भाई हमें भी तो अपना पैसा वापस चाहिए। और एट दिस पॉइंट हमें ये समझना होगा कि आईपीओ एग्जैक्टली काम कैसे करता है, तो अब वही जान लेते हैं। सी, हर कंपनी को एक इन्वेस्टर चाहिए होता है। पहले वो एक इन्वेस्टर के पास जाएंगे, उससे शेयर देकर पैसे ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ फॉर 10%। नेक्स्ट ईयर सेम प्रोसेस दूसरे इन्वेस्टर के साथ, पर उससे 10% 50 करोड़ ले सकते हैं प्रीवियस सेल्स एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस देख के, एंड सो ऑन। ये लूप चलता रहता है। कंपनी को फ्यूचर के नाम पर पैसा मिलता रहता है और वो अपने हिसाब से उसे मार्केटिंग और बाकी चीजों में खर्च करती रहती है। इस दौरान इन सभी इन्वेस्टर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो नेक्स्ट फंडिंग राउंड में बैठे या फिर तो एग्जिट कर ले, उस टाइम पर कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से पैसा लेकर। अब जब कंपनी इज गोइंग इन लॉसेस, ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो इन्वेस्टर का फिर प्रेशर आता है कि आईपीओ निकालो, पर इससे उन्हें क्या फायदा होगा ये जान लेते हैं। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी अब जो कंपनीज है ना वो अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर कर रही है, यानी अब पब्लिक उन शेयर्स को खरीद सकती है, और यही मामा अर्थ भी करना चाहती थी। अब यहाँ पर ना दो चीजें आ जाती हैं, एक आता है फ्रेश इशू और दूसरा आता है ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू में क्या होता है ना, कंपनीज बताती हैं कि आपका ये जो पैसा आएगा ना हमारे पास, हम इसको किस किस चीज में यूज करने वाले हैं। जैसे मामा अर्थ के केस में उन्होंने बताया है कि वो इसको डेवलपमेंट में यूज करेंगे अपनी सब्सिडियरीज के, और इसको एडवर्टाइजिंग में भी यूज करेंगे। अब दूसरा आता है ऑफर फॉर सेल में। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, जितने भी आपके इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनको वो पैसे दिए जाते हैं। जैसे मामा अर्थ के केस में भी बताया गया है कि ऐसे कितने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है, इसमें फाउंडर्स भी शामिल हैं जिन्होंने अपने शेयर्स को आईपीओ में ऑफर किया है, बिकॉज दे ऑल नो द रियल साइड ऑफ द कंपनी, वो साइड जो पब्लिक को नहीं पता है। पर इन सब को इशू करने के बाद अब मामा अर्थ ने अपने आईपीओ को होल्ड पर रख दिया है, ये कहकर कि मार्केट अच्छी नहीं चल रही है। देखो यार, जोमेटो, नायका, पेटीएम, इन सभी के आईपीओ का एक ही हाल है। आईपीओ में लिस्टेड होना एक कंपनी के लिए काफी बड़ी बात है कि उन्होंने सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल कर लिया है, पर उसके बाद कंपनी के हालात और बेहतर होंगे या फिर ग्रोथ होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, और लोग उन शेयर्स को लेंगे भी या नहीं, कंपनी को पैसा मिलेगा भी या नहीं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और ये बात मामा अर्थ को समझ आ गई है कि भले ही अगर वो अभी आईपीओ निकाल दें पर उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा नहीं है। यानी इन द एंड आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर मामा अर्थ ने आईपीओ को निकाला ही क्यों था और बाद में उसको होल्ड पर क्यों रख लिया था। क्योंकि आईपीओ की एक डार्क साइड भी है जो कंपनीज आपको नहीं बताती, कि आईपीओ को कंपनीज यूज कर दी अपने इन्वेस्टर्स को पैसा देने के लिए। मामा अर्थ ने सोचा कि अभी मार्केट ठीक नहीं है तो उनका आईपीओ निकालने का कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए उन्होंने आईपीओ को होल्ड रख लिया, और इसको एक स्मार्ट मूव भी बताया गया। मामा अर्थ तो समझ गई, पर ऐसा बाकी कंपनीज के साथ नहीं हुआ।
जिन्होंने निकाला तो आईपीओ को इसलिए था ताकि वो ग्रो कर सके, पर वो उसी के चक्कर में फंस कर रह गए। जानना चाहेंगे कैसे? तो ये रही वीडियो। जय हिंद।